हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग के रिगार्डिंग होते हैं उन पर बात करेंगे। क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग के इम्पॉर्टेंट डिसीजन, चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से प्रोडक्ट जो हमारा प्लानिंग का डिसीजन है वो हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग को इफ़ेक्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी विपणन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय विपणन का कार्य अधिक जटिल और कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कंपैरेटिव हमारा जो डोमेस्टिक है वो ज़्यादा इजी है। ये चीज़ आप भी मानते हो कि डोमेस्टिक मार्केटिंग जो है वो किससे इजी है? इजी किससे है? हमारे फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केटिंग से। ठीक है, फॉरेन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के लोग, तरह तरह का कल्चर और तरह तरह के इंटरेस्ट और फैशन और सेंस, ये सब कुछ होता है। दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में एक निर्यातक फर्म को 3 स्तर की प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। अब देखना, यहाँ पर एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये एक्सपोर्टर है, उसको 3 टाइप के कॉम्पिटिशन फेस करने होंगे। सबसे पहला, खुद के डोमेस्टिक एक्सपोर्टर से, ठीक है। सेकेंड है, जिस कंट्री में वो, यानी के फॉरेन कंट्री के फॉरेन प्रोड्यूसर, उससे भी क्या करना पड़ेगा, उसको कंपीट करना होगा। और अदर कंट्री के जो भी एक्सपोर्टर होते हैं, अदर एक्सपोर्टर्स, उनसे भी क्या करना पड़ता है, कंपीट करना पड़ता है। तो यानी एक एक्सपोर्टर को अगर फॉरेन मार्केट में अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसको सबसे पहले 3 तरह के कंपटीशन से उसको फेस करना होगा। सबसे पहला हमने देख लिया डोमेस्टिक, सेकेंड है फॉरेन प्रोड्यूसर, थर्ड है अदर एक्सपोर्टर। अब हम बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए, वेरिएशन हुए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो विक्रेता बाजार का क्रेता बाजार में परिवर्तित होना। यानी कि पहले क्या होता था, जो सेलर सेल करता था वो बायर खरीद लेता था, पर अब क्या होता है, जो बायर खरीदेगा वो ही सेलर सेल करेगा। पहले सेलर जो था वो क्या था, आपका मार्केट किंग था, पर नाउ कंडीशन क्या हो रही है, आपका मार्केट का किंग कौन होता है, बायर। ये किसकी वजह से हुआ है? सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, ये चेंजेस, ये जो सेलर की पोजीशन जो बायर ने ले ली है अब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों हुई है? क्योंकि आज के ज़माने में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने से अगर बायर को कोई प्रोडक्ट आपका पसंद नहीं आया है तो वो अपनी नीड को चेंज नहीं करेगा, वो आपको एक सेलर को चेंज कर देगा, दूसरे आपके कॉम्पिटिटर को सेलर बनाकर उससे वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद देखते हैं सबसे पहला वेरिएशन आपका, सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट हुआ है मार्केट का? जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट हुआ है। फिर आपका है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, फॉरेन मार्केट के तरफ क्या हो रहा है, हमारा अट्रैक्शन हो रहा है। क्या पहले 1970s में, या फिर आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन आने से पहले, होने से पहले, क्या हम फॉरेन मार्केट से कोई चीज परचेज कर सकते थे? नहीं। क्या हम फॉरेन मार्केट को जानते थे? नहीं। वहां पर क्या चल रहा है क्या हमें पता था? जी नहीं, हमको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हम सिर्फ इतना जानते थे कि हमारा जो मार्केट है वो हमारे सामने है। पर ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमारा विदेशी बाजारों के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा विदेशी बाजारों से, विदेशी बाजारों की तरफ बढ़ता आकर्षण भी हमारा एक कारण हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका, जो मल्टीनेशनल
जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या बॉडीज है, कॉरपोरेट बॉडी है, उनकी जो उनका जो रोल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्लियर है यहाँ पर? फिर है आपका उपभोक्ता को उपलब्ध उत्पादों की बढ़ती संख्या। पहले क्या होता था, ये बायर है, बायर के पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते थे, प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3। पर नाउ कंडीशन क्या है, बायर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए, यानी उनकी संख्या बढ़ गई है प्रोडक्ट की, तो वो क्या कर सकता है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स उसकी नीड को सेटिस्फाइड करेगा, उसकी वांट्स उसकी डिजायर के अनुकूल होगा, उसी प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, खरीदेगा। तो इन परिवर्तनों ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन को और ज्यादा रोचक और आवश्यक बना दिया है। इसने इन सारे चेंजेस ने क्या किया है, चेंजेस कौन कौन से थे देखिए, सबसे पहला आपका कंपटीशन, सेकंड आपका डोमेस्टिक इजी है फॉरेन मार्केट से, फिर है सेलर का, फिर है ग्लोबलाइजेशन का, फिर है प्रोडक्ट की जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो गए हैं, और फिर है आपका विदेशी बाजारों की तरफ बढ़ता आकर्षण और मल्टीनेशनल बॉडीज। ठीक है, तो इन सब परिवर्तनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय विपणन को, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, उसको ज़्यादा ज़रूरी बना दिया और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ज़्यादा नेसेसरी बना दिया है। क्लियर है यहाँ पर? फिर देखिए कि इन परिवर्तनों के कारण यहाँ पर ये आवश्यक हो गया है, इस ओर निर्माताओं और विपणन प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन संबंधित निर्णय सुविचारित और लक्षित बाजार के अनुरूप होने चाहिए। हमारे जितने भी इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो डिसीजन होंगे वो हम किसको ध्यान में रखते हुए लेंगे, टारगेट मार्केट। पूरी दुनिया को क्या हम एक प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं जब हम एंटर कर रहे हैं? तो हम किसी लॉन्ग टर्म फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म से उस मार्केट में चल रही थी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारी जो टारगेट मार्केट है, यानी हम जिस मार्केट में अपना, जैसे कह सकते हैं जापान, जैसे कह सकते हैं रशिया, ठीक है, किसी, जैसे आप कह सकते हो USA, ठीक है, किसी एक मार्केट को हमने क्या किया है, टारगेट, यानी हम जिस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, टारगेट मार्केट। ठीक है, तो टारगेट मार्केट को हम अपने डिसीजन को ध्यान में रखते हुए, टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग के डिसीजन लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इंटरनेशनल जो मार्केटिंग करते हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका मार्केटिंग मिक्स। बिना मार्केटिंग मिक्स के क्या आप मार्केटिंग कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला मार्केटिंग मिक्स का जो पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, बिना प्रोडक्ट के, जिस पर अन्य सभी विपणन क्रियाएं निर्भर होती है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो क्या आप प्लेस का क्या करोगे, किसका प्रमोशन करोगे और किसकी प्राइस डिसाइड करोगे? तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बिना प्रोडक्ट के आप कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट पर ही सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज डिपेंड करती है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं उत्पाद नियोजन की। हमने जो यहाँ तक आपको समझ आया, हमने ये प्रोडक्ट प्लानिंग क्यों करनी है, इसके डिसीजन क्यों लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे कारण हैं। देखिए, दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, फिर आता है हमारा ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ये छठा, और ये हमारा था सातवां। तो ये हमने 7 जो कारण पड़े हैं, इनको हम, इनके लिए इंटरनेशनल प्लानिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उत्पाद नियोजन से आशय, यानी प्रोडक्ट प्लानिंग सुनना क्या होता है, एक निर्यातक की उत्पाद पंक्ति के अनुरूप लाभदायक विक्रय परिणाम प्रदान करने वाले उत्पाद, उत्पाद का रंग, मात्रा, किस्म, डिजाइन, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबल, ट्रेडमार्क आदि के संबंध में निर्णय लेने। चलिए देख लेते हैं, प्रोडक्ट
प्लानिंग। डिसीजन क्यों लेने थे, कारण पता चल गए आपको प्रीवियस, अभी हमने 3 स्लाइड में बताया आपको। चलिए सबसे पहले क्या होता है, एक एक्सपोर्टर, ठीक है, ये है हमारा एक्सपोर्टर, ठीक है। इस एक्सपोर्टर की जो प्रोडक्ट लाइन है, ये है एक्सपोर्टर की प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेलिंग के रिजल्ट, सेल्स रिजल्ट आपको चाहिए। अब ये सेल्स रिजल्ट कैसे मिलेंगे, अब देखना, ये तीनों जो वेरिएशन है वो आपस में मिलेंगे। एक प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपको खुद के अकॉर्डिंग सेल्स रिजल्ट मिलेंगे। चलिए सबसे पहली, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर प्रोडक्ट का आपका डिजाइन, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबल एंड ट्रेडमार्क। अगर किसी प्रोडक्ट में इन सारे डिसीजन के ऊपर अगर आप प्लानिंग करते हो कि इन डिसीजन को, प्रोडक्ट का कलर कैसा रखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का डिजाइन, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ट्रेडमार्क, अगर हम इन एलिमेंट्स पर बात करते हैं या इन एलिमेंट्स की प्लानिंग करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट प्लानिंग। समझ आया, समझ आया, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है, जब हम एक एक्सपोर्टर प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट, जो उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं, किस बेस पर मिलेंगे रिजल्ट, कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क और लेबल, इनको अगर, इनके रिगार्डिंग अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो इसका मतलब ऐसी प्लानिंग क्या होगी आपकी, प्रोडक्ट प्लानिंग। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग होता है। समझ आया आपको प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट प्लानिंग के रिगार्डिंग हमको क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं। चलिए, प्रोडक्ट प्लानिंग यानी उत्पाद नियोजन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो निर्माता और मध्यस्थ को इस योग्य बनाती है कि वह ये निर्धारित कर सके कि कंपनी की उत्पाद पंक्ति में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। मैंने अभी बताया आपको, प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करे कि उसकी प्रोडक्ट लाइन में किस किस तरह की वस्तुएं, किस किस तरह के गुड्स होनी चाहिए। क्लियर है। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट में जहां कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर को सेटिस्फाइड करे वैसे प्रोडक्ट को चूज करना है आपको, और उन सभी डिजायर और वॉन्ट्स को, कस्टमर की जो भी डिजायर है, जो भी वॉन्ट्स है, उन सभी को अपने प्रोडक्ट में शामिल करना, वो होता है हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग। चलिए अब हम इसके कुछ डिसीजन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट, चलिए पहले वो हेडिंग ही डाल देते हैं। अब देखिए ये किसके रिगार्डिंग है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं उत्पाद विशेषता, उत्पाद की विशेषताओं के संबंधित जब भी आप प्लानिंग करते हो तो क्या क्या डिसीजन लेने हैं आपको, ठीक है। चलिए इसमें आपका सब जो पॉइंट होगा वो होगा
प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी। गुणवत्ता या किस्म एक उत्पाद का महत्वपूर्ण औजार या गुण है जिसके द्वारा एक मार्केटर अपनी इमेज बनाता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, तो आपकी मार्केट में जो गुडविल है, जो इमेज है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है? आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्लियर है? सेकंड पर बात करते हैं। फिर क्या कहता है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के अंदर जितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम कह सकते हैं उसकी जितनी नेचर्स होती हैं, वो सारी आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है, जैसे इसमें उत्पाद का कड़ापन, मोटापन, लंबाई, चौड़ाई आदि, यानी कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा उसका अपीयरेंस है, कैसा उसका डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी में आती है। फिर है आपका कि किस्म के दो आयाम है, यानी कि इसके दो फैक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका लेवल, दूसरा है आपका कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी स्तर और अनुरूपता। अब देखिएगा क्या होता है स्तर। विपणनकर्ता को एक उत्पाद का विकास करते समय प्रथम गुणवत्ता का स्तर निर्णय करना चाहिए, जो लक्षित बाजारों में उत्पाद को स्थापित करने में सहायता करेगा। यानी कि टारगेट मार्केट में जो भी आपका लेवल होगा उसको डिसाइड करेगा। इस तरह से इसमें हम कह सकते हैं कि टिकाऊपन, विश्वसनीयता या फिर एडुकेसी, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेशनल तथा मरम्मत में आसानी और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। देन उसके बाद हम, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि ऐसी कंपनियों की संख्या बहुत कम है जो अपने उत्पाद को उच्चतम संभावित गुणवत्ता देने का प्रयास करती है। इसी कारण से बहुत कम उपभोक्ता इस प्रकार की गुणवत्ता चाहते हैं और उसे वहन कर सके। जैसे उदाहरण के लिए रोल्स रॉयस, रेफ्रिजरेटर, रोलेक्स वॉच, ठीक है, ये क्या करती है कि एक कंपनी गुणवत्ता के उस स्तर को चुनती है जो बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आपको पता है रोल्स रॉयस कार, ये जो कार है वो बहुत कम लोकल में दिखती है या बहुत कम दिखती है, क्योंकि ये जो कार है वो आपके जो अमीर घराने के जो लोग होते हैं वो ही खरीद पाते हैं, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है पर इसके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका कंडीशन भी बहुत सारी होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ही ले सकते हैं। फिर इसमें देखिए आपके ब्रांड की बात करें तो हम बात करते हैं रोलेक्स की, ठीक है, वॉच जो आती है, हैंड वॉच या जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, उसकी। तो ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए उत्पाद की किस्म निर्धारण करते समय बाजार का रिसर्च करना चाहिए और लक्षित बाजारों के ग्राहकों की कीमत संवेदनशीलता के स्तरों का पता लगाना चाहिए। सामान्यतः विकसित देशों में ग्राहक किस्म के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि जो डेवलप कंट्री होती है, ठीक है, वो क्या करती है, किसको इम्पोर्टेंस देती है, आपकी क्वालिटी को, कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा, क्वालिटी अच्छी है तो वो उसको हाई रेट में भी खरीदेगा। पर इसके अपोजिट अगर आपकी डेवलपिंग कंट्री में आपका टारगेट मार्केट है तो वहाँ पर आपको प्राइस कम रखनी होगी कंपैरेटिव टू डेवलप मार्केट। क्लियर है? यहाँ पर ये था हमारा मेजर जो डिसीजन है प्रोडक्ट क्वालिटी के रिगार्डिंग। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो सबसे यूनिक और अच्छा एग्जाम्पल है कि इंटरनेट जो भारतीय निर्यातक अपने स्तर की किस्म नियंत्रण की व्यवस्थाओं की अनुपालना करने में असफल रहे थे। आत्मनियंत्रण के अभाव में ही अनंत केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ा। 1983 में केंद्र सरकार ने अनेक वस्तुएं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंजीनियरिंग की वस्तुएं सम्मिलित थी उनके लिए अनिवार्य किस्म नियंत्रण लागू कर दिया था, क्योंकि वो
1983 में इंडियन एक्सपोर्टर जो हमारे देश के एक्सपोर्टर थे उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी आइटम्स थी उनके लिए कंपलसरी क्या कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, उनको इन क्वालिटी के पैरामीटर्स को क्रॉस करके ही जाना होगा, क्योंकि 1983 में उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया था अपने इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, और 1983 में विदेशों ने जहां पर उन्होंने एक्सपोर्ट किया था उस कंट्रीज ने उनको वो सारी चीज़ें गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण वो सारी चीज़ें वापस लौटा दी थी, और इसकी वजह से उनकी गुडविल भी खतरे में आ गई थी, और वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इसलिए इंडिया का भी वहाँ पर इमेज थोड़ा सा पीछे हो गया था। तो इस तरह से ये था हमारा फर्स्ट डिसीजन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिसीजन था। इसके आगे हम देखेंगे प्रोडक्ट फीचर के बारे में, स्टाइल और डिज़ाइन के बारे में, फिर कलर कैसा है, साइज, ब्रांड नेम, तो इस तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वैसे आज हमने स्टार्ट कर दिया है डिसीजन को, इम्पॉर्टेंट डिसीजन। हम रोज के एक दो डिसीजन लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो और आपको इजीली हर बात समझ आ सके। आज हमने लिया था, देखिए आज हमने प्रोडक्ट प्लानिंग भी डिस्कस कर लिया। आज हमने मेजर में जो डिसीजन लिया था वो था हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी उत्पाद गुणवत्ता। ठीक है, इसी तरह आगे भी हम मेजर डिसीजन पर बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए ये काफ़ी है एक हमारा, क्योंकि आज हमने इसके रीजंस भी पढ़े कि ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्यों लेने हैं हमको, फिर इसका हमने प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमारा ये जो एक प्रोडक्ट क्वालिटी का जो डिसीजन है उस पर हमने बात की। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।